जिंदगी है और जिंदगी में रोज नए मसले आते हैं। मेरी जिंदगी में भी बहुत मसले अलग अलग किस्म के आते रहते हैं, लेकिन एक इस तरह का मसला जो मेरी जिंदगी में पहले बहुत था अब बहुत कम है, वो था शॉर्ट अटेंशन स्पैन। 2 मिनट लगते थे और मैं अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, लेकिन अब भाई ने इसका तोड़ निकाल लिया। नहीं मिटते दुख के साए, मेरा पल पल मन घबराए, हल कर दे मुश्किल मेरी, तूने सारे रोग मिटाए। क्या हाल है ब्रो? तो आजकल मेरी जिंदगी में ऐसी काफी चीजें हैं जो मुझे तंग कर रही हैं, जो मेरी जिंदगी में मसले बन के सामने आ रही हैं। नंबर वन, मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। मैं बचपन से बुक्स पढ़ रहा हूँ और आजकल भी पढ़ रहा हूँ, कोशिश करता हूँ पूरी कि मैं बुक्स पढ़ूँ, मुझे मजा बहुत आता है। लेकिन इससे रिलेटेड ना एक अजीब सा दिमाग में टेंशन सवार हुई हुई है आजकल, और वो टेंशन ये है कि एक बुक जो मैं पिछले कुछ महीने से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, द मंगोल एम्पायर, और मसला ये है इसको मैं ख़त्म नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे ये ख़त्म करने का टाइम नहीं मिल रहा। बेसिकली मैं कोशिश करता हूँ मैं रोज़ थोड़ी सी बुक पढूं, लेकिन जब ये मैंने पढ़नी शुरू की है तो कोइंसिडेंटली मेरी ज़िंदगी में इतनी चीज़ें हो रही हैं कि मुझे बुक पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर तो ये बुक इंटरेस्टिंग होती तो शायद मैं खुद ब खुद टाइम निकाल देता, तो शायद ये बुक ही इतनी जो है ना मज़े की जो है ना नहीं है। तो जंग आजकल ये चल रही है कि मैं इसको कंटिन्यू करने के लिए फ़र्दर जद्दोजहद करूँ या फिर मैं इसको। दूसरा मसला मेरा ये चल रहा है, मेरा रूटीन, जिस तरह मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मेरा रूटीन मैंने थोड़ा चेंज किया है। अब मैं रातों में जाग रहा हूँ और मैं सुबह 6 बजे तक सोता हूँ, फिर मैं दोपहर को 12 बजे तक उठता हूँ। तो ये रूटीन मैंने बनाया हुआ है, लेकिन पहले 3 दिन स्टार्ट करने के बाद ही माशाल्लाह एक दिन इस तरह का गुजर गया जब मेरी रात को 12 बजे आँख और मैं फिर सुबह 7 बजे उठता हूँ। तो विच इज़ नॉट बैड, लेकिन कंसिडरिंग कि मेरा रूटीन वो नहीं है तो इट इज़ बैड। सो रूटीन वाली जंग जो है ना अभी चल रही है, उसका सीन थोड़ा सॉर्ट करना है। तीसरा मसला मेरा डाइट, जब मैं खाना खाने पे आता हूँ, फोड़ने पे आता हूँ, तो मैं इतना नेक्स्ट लेवल फोड़ देता हूँ कि इंसान सोचे भी नहीं उस बारे में तो बेहतर है। इसलिए मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ काफ़ी अरसे से कि मैं एक प्रॉपर डाइट पे आ जाऊँ, लेकिन डाइट शुरू होती है, 3 दिन गुजरते हैं और फिर बिरयानी सामने आती है, और बिरयानी को ना नहीं बोल सकते, सॉरी। तो ये डाइट शुरू किस तरह करनी है, कंसिस्टेंट किस तरह रहना है, मेहनत किस तरह करनी है, इसमें ये आजकल है हमारा तीसरा मसला। और इसके अलावा एक मसला और जो मेरी जिंदगी में बहुत था अब नहीं है, जिस तरह मैंने बताया शॉर्ट अटेंशन स्पैन। अब जिस तरह मुझे वीडियोस बनाने का बहुत शौक है, लेकिन वीडियोस बनाते हुए भी मैं वीडियोस की एडिटिंग शुरू करता था और 10 मिनट गुजरते थे कि मेरा दिमाग पता नहीं कौन कौन सी चीज़ों पर जाता था कि यार ज़रा 10 मिनट के लिए टीवी देख लेते हैं, यार ज़रा मैं यूट्यूब खोल लूँ, यार ज़रा मैं गूगल पे पढ़ लूँ कि 1947 में क्या हुआ था, यार ज़रा मैं 10 मिनट के लिए फ्रेंड्स के पुराने सीन देख लूँ। और कोई बंदा मुझे आके ऐसे कर देना, नवीद बात सुन, बस नवीद बात सुनेगा, नवीद काम छोड़ के बात सुनेगा। और इससे मेरा काम पे बहुत अफेक्ट पड़ता था, मेरी ज़िंदगी पे बहुत अफेक्ट पड़ता था, मेरे गोल्स ऐसे होके कहीं पड़ जाते थे। और काफ़ी अरसा इस मसले से, क्या बोलते हैं उर्दू में, दरगुजर होने के बाद, पता नहीं, इस मसले से गुजरने के बाद भाई ने इसका एक सलूशन निकाल लिया। वो जो सलूशन है उससे मुझे अभी अटेंशन स्पैन का मसला मेरा अगर 90% पे एक्टिव था तो अभी 20% पे एक्टिव हो गया। अब वो सलूशन क्या है कल बताता हूं। तखलिया।